एडलवाइज ग्रुप के को फाउंडर और चेयरमैन रोशेश शाह से 2000 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा एक्सचेंज घोटाले के सिलसिले में पूछताछ होगी। वर्तन निदेशालय ईडी ने शाह को 9 जनवरी को पेश होने का समन भेजा था, लेकिन उन्होंने अगली तारीख मांगी। ईडी ने नए सिरे से समन जारी कर दिया है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से शुक्रवार को ये जानकारी दी। ये मामला थाने स्थित कंपनी कैपस्टोन फेरेक्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक कैपस्टोन पर आरोप है कि उसने पर्यटकों की फर्जी सूचियां बनाकर विदेशों में रकम ट्रांसफर की।